नमस्ते दोस्तों, आप सब चुके हैं ओम जी वर्ल्ड वे। तो अभी अभी मैं मिला हूँ कुमार ललित चाचा जी से। तो अभी ये बुक्स इतने बहुत सारी, जैसे इन्होंने आप देख सकते हैं अभी इनकी, अभी इन्होंने एक दो हफ्ते पहले इन्होंने बुक डाली है। देखिए पहले ये, तो इन्होंने किसके ऊपर डाली है? ये मेरा गीत संग्रह है। okay. इसमें मेरे 70 गीत हैं। 70 गीत मेरे द्वारा लिखे गए। और ये इनकी कविताएं हैं नीलू चड्डा जी की, जिनका मैंने संपादन किया है, एडिटिंग की है। okay. ये मेरी राइटिंग है, ये मेरी एडिटिंग है। मतलब कि कंप्यूटर्स वाली है और ये राइटिंग वाली है। ये मैंने अपनी कलम से खुद लिखे है, अपने विचारों को एक्सप्रेस किया है और ये दूसरे के विचारों को एडिट किया है। अच्छा, कंप्यूटर से ना? नहीं, कलम से लिखा है मैंने कागज पर, और डिजाइनर ने, प्रिंटर ने, टाइपिस्ट ने टाइप किया है और इसको किताब के रूप में तैयार किया। राइटिंग हो रही है? नहीं, ये मेरी राइटिंग जी तो टाइप्ड है। हाँ, है ना? हाँ, प्रिंट होके आया है। हाँ, लेकिन लिखे मैंने है, ये मैंने कागज पे लिखे थे, इन्होंने इसको उसमें टाइप करके प्रिंट किया है। तो अभी जैसे हमने बुक्स लिखी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जो फिनलैंड के किड्स होते हैं, मेरे बराबर के होते हैं, तो उनको 7 या जब तक वो 7 साल हो जाते हैं तब तक उनको बस घुमाते हैं, है ना। और जब तक वो 8 से 14 तक हो जाते हैं जब तक उनको बस घुमाते हैं, फिर उसके बाद उनको परमानेंटली पढ़ाते हैं। तो वहाँ के बच्चे घूमने में बहुत ज़्यादा नंबर वन है। तो आप क्या क्या विचार है कि इंडिया के बच्चे नंबर वन होंगे? इंडिया के बच्चे नंबर वन कैसे बने? हाँ, क्योंकि इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस बहुत ज़्यादा है पर घूमते नहीं। भारत के बच्चे तब नंबर वन बनेंगे जब बच्चों पर माता पिता उनको पढ़ाने का, अच्छे अंक लाने का, 100 में से 100 लाने की जो होड़ मची हुई है वो दबाव उनसे हटा लेंगे। उनके ऊपर जो मानसिक दबाव बना दिया गया है केवल अंक के लिए पढ़ना, रट्टू तोते बनना, किताबी कीड़ा बनना, उससे उठा के जैसा कि आपने बताया कि घुमाने फिराने की ओर प्रवृत्त किया जाए, देशाटन की ओर प्रवृत्त किया जाए, घर की चार दीवारी और किताबों के पन्नों से बाहर निकाल के उन्हें दिखाया जाए दुनिया, तो वो दुनिया का व्यवहारिक अनुभव हासिल करेंगे, अपनी आंखों से दुनिया को देखेंगे। और जो किताबों और शब्दों में कैद है, जब उसका व्यवहार में सामंजस्य होगा तब उनके दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी, तब उनका ज्ञान वृद्धि होगी, तब उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, तब उनके भीतर जिज्ञासा बढ़ेगी, तब उनके भीतर प्रश्न उठेंगे, और जब उन प्रश्नों के उत्तर उनको मिलेंगे, जब उनकी जिज्ञासाओं के समाधान मिलेंगे, तब उनका मस्तिष्क उन्नत होगा, सोच बड़ी होगी, विचार दर्शन बड़ा होगा, और जब सोच विचार और दर्शन जीवन का बड़ा होगा तब वो बच्चे देश के लिए प्रेरणादायी काम करेंगे, देश के लिए ऑरेटर बनेंगे, मोटिवेटर बनेंगे, राइटर बनेंगे, स्पीकर बनेंगे, लीडर बनेंगे, टीचर बनेंगे, और वो देश को एक दिशा देने का काम करेंगे और विश्व के भी उन्नयन में अपनी भागीदारी निभाएंगे। अच्छा, तो अभी जैसा लग कि आपका ये कहना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ घुमाओ, है? हाँ। ओके, मतलब कैसे समझिए कि ये घुमाना और ये पढ़ाई है। अभी बच्चे उस पढ़ाई में लगे होंगे पर हमें उनको घुमाना भी है, मतलब कि बीच में रखना है, बीच में रखना है ना। मध्यम मार्ग सबसे उत्तम होता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरी, सिद्धांत और व्यवहार, दोनों के बीच में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, समन्वय बहुत आवश्यक है। बच्चों को लाल किला पे अध्याय पढ़ाया गया और साथ में लाल किला घुमा भी दिया, तो उनके मन में लाल किले का पूरा जीवन, लाल किले का इतिहास, लाल किले में हमारे कौन कौन से राजा हुए, किन किन ने शासन किया, कैसे लाल किला हमारे देश की विरासत बना, ये पूरा उन्हें ज्ञान उनकी आंखों में साकार हो जाएगा, और फिर वो बेहतर उत्तर एग्जाम में दे पाएंगे, न केवल पढ़ाई की परीक्षा में बल्कि जीवन की परीक्षा में भी। जब जब जीवन में लाल किला आएगा तब उनके जहन में लाल किला का पूरा चित्र साकार हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने केवल उसे किताबों में नहीं पढ़ा है, अपनी आंखों से भी देखा है, उसके इतिहास को वह जीवन तोते हुए सुना है, देखा है, समझा है। तो जैसे मेरी जो जीके की बुक है उसमें भी सन टेम्पल है, तो मैंने मेरे पापा ने सन टेम्पल जाके दिखाया, तो मैं सन टेम्पल के बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ। yes. देख सकता हूँ और थोड़ा सा वहाँ का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, है ना? बिल्कुल। तो मतलब कि ऐसा होना, एक बच्चा जिसने केवल किताब में सन टेम्पल के बारे में पढ़ा है और दूसरा बच्चा जिसने किताब में पढ़ने के साथ साथ सन टेम्पल का भ्रमण भी किया है, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है, तो दोनों जब उस पर निबंध लिखेंगे सन टेम्पल पे, दोनों के उत्तर में जमीन आसमान का अंतर होगा।
है ना, क्योंकि उसने केवल किताब तक सीमित था उसका ज्ञान, उसका व्यवहारिक धरातल पर उसने स्वयं सन टेम्पल को देखकर उसने उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, उसकी विशेषताओं का निरीक्षण कर लिया है, उसकी पुरातात्विक कला, उसका सौंदर्य, उसका वास्तु उसने स्वयं अनुभव किया है ना। तो वो अपनी आंखों देखा वर्णन जब करेगा तो वो अद्भुत होगा, अनूठा होगा। अच्छा, तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी हमें इंडिया जो मेरे बराबर के बच्चे होते हैं उन्होंने बहुत मतलब कि कभी ऐसे बहुत कम ही बच्चे जिन्होंने मेरे बराबर के बच्चे ने बुक लिखी है ना, और इससे भी कम वही बच्चे जिन्होंने मुस्लिम छोटे बुक रखी है। तो इंडिया के बच्चे को हम कैसे समझाएं कि उनको बुक लिखनी चाहिए, मतलब कि बुक भी लिखेंगे तो थोड़ा सा उनकी एजुकेशन बढ़ेगी, मतलब कि उनको लिखने की प्रैक्टिस होगी। और बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो बात की शुरुआत की थी कि जो माता पिता ने बच्चों को केवल परीक्षा में अंक लाने पर ही केंद्रित करके रख दिया है, उससे उनके बौद्धिक विकास सिमट के रह गया है। जब हम उसे परीक्षा के दबाव से बच्चे को उबारेंगे और बच्चे को ये समझाएंगे कि पढ़ाई लिखाई की किताबों के अलावा जो आपकी एकेडमिक बुक्स हैं, जो आपकी एकेडमिक बुक्स हैं उनके अलावा भी जो आपका लिटरेचर है, जो आपका जीवन जगत है, जो आपके देशाटन के स्थल हैं, उनको आप भ्रमण करोगे, उसके अलावा भी किताबें पढ़ोगे, तब आपके अंदर रीडिंग और राइटिंग की हैबिट डेवलप होगी। जब आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करोगे, इसके लिए माता पिता को बड़ी भूमिका अदा करनी होगी और माता पिता के साथ साथ टीचर्स को भी भूमिका अदा करनी होगी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी कराएं, उनको रीडिंग और राइटिंग की हैबिट डेवलप करें, उन्हें बताएं कि वो क्या लिखें, उन्हें बताएं कि वो क्या पढ़ें, और ये भी समझाएं कि लिखने और पढ़ने का क्या महत्व है। ये लिखना और पढ़ना आपकी जो एक्चुअल पढ़ाई है उसमें भी कारगर साबित होगा। आपका जब मस्तिष्क विकसित होगा, आपके जब विचार विकसित होंगे, आपके अंदर लेखन क्षमता विकसित होगी, आपके अंदर विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होगी, तो आप बेहतर पढ़ भी पाएंगे, बेहतर एग्जाम में अंक भी अर्जित कर पाएंगे और जीवन के भी हर युद्ध को एक योद्धा की तरह सफल होकर उसमें विजेता बनकर निकलेंगे। तो मैंने आपसे कितने क्वेश्चन पूछे, दो है ना, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि वैसे तो मेरे दिमाग में दो थे, पर जब मैंने ये दोनों बातें सुनी ना तो मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि पहले हमने घूमने का साथ दिया, पहले हमने पढ़ने का साथ दिया, और दोनों का और दोनों जब हम बात करी तो बीच में दोनों का साथ हो गया ना, तो अगर उन बच्चों में क्या डिफरेंस होता है जो बस घूमते रहते हैं, उन बच्चों में क्या डिफरेंस होता है जो बस पढ़ते रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। देखिए क्या है, जीवन में सर्वाइव करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए। एक व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर रहा है किताबों से और एक व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर रहा है जीवन को खुली आंखों से देखकर, जीवन को प्रत्यक्ष अनुभव करके, जीवन के संघर्षों से दो चार होकर। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब आप दैनिक जीवन बिताते हैं, तब रोजी रोटी की समस्या सामने आती है, तब आपके सामने जीवन के संघर्ष सामने आते हैं, तब आपको कोसा जाता है कि आप पढ़ नहीं रहे, आपको तानों का शिकार होना पड़ता है ना, जीवन में आगे बढ़ने का एक दबाव होता है, करियर का एक दबाव होता है, तो इसके बीच में दोनों के अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ने ज्ञान अर्जित किया है, दोनों जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते उनके अंदर आत्मविश्वास हो, धैर्य हो, आगे बढ़ने की ललक हो। कबीर दास मसे कागज पढ़ो नहीं कलम गई नहीं, आप कबीर कभी स्कूल नहीं गए थे, ऐसे इस दुनिया में बहुत से विद्वान हुए हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, किताबें नहीं उठाई, लेकिन उन्होंने जीवन जगत से ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने जीवन में भ्रमण किया, जीवन को खुली आंखों से देखा और अपने भीतर बाहर भी गए और उतना ही भीतर भी गए, भीतर चेतना को जागृत किया, चेतना के तल विकसित किए और उन्होंने फिर वो पूरी दुनिया के मार्गदर्शक बने। तो ये निर्भर करता है आपकी डेस्टिनी पर, निर्भर करता है कि ईश्वर ने किस उद्देश्य से आपको भेजा है, निर्भर करता है कि आपको कैसी संगत मिली, आपको कौन से गुरु मिले, शिक्षक मिले, माता पिता मिले, दोस्त मिले, कौन सी किताबें आपने पढ़ी, इन सब के साहचर्य से आपका जीवन के कुसुम विकसित होता है ना। तो अभी मेरे दिमाग में और कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, जितने मेरे पास पढ़ाई के क्वेश्चन थे अंकल जी ने उनका आंसर दे दिया नॉर्मली है ना, तो अंकल जी आपने मुझे इन सब का आंसर दिया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, नीचे लाइक का बटन आया, लाइक दबा दीजिए।